जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उसमें उल्लेख है, जिस ढंग से उन्होंने लिखा है कि संपत्ति की जांच करेंगे, सोना चांदी की जांच करेंगे, और उसको हम ऐसे लोगों को देंगे जिन लोगों ने हमेशा देश को तबाह करने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। फर्क नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी अमेठी रायबरेली दोनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। कांग्रेस पार्टी भी डिरेल्ड है, उनके पास जनाधार नहीं है, हार के डर के वजह से सोनिया जी छोड़ करके चली गई राज्यसभा। आप इंतजार करिए, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, 0 सीट आएगी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से धराशायी होगा। और गठबंधन की जो समाजवादी पार्टी घटक है, इनकी गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, दंगों को लोग भूले नहीं है, सपा की तो और बुरा हाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है इन 10 वर्षों में, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमने जनता के सामने रखा है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। लोकसभा चुनाव का धुआंधार प्रचार हो रहा है, सभी नेता लगातार फील्ड पर उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सर्वस्व झोंक दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक जी हमारे साथ हैं, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, रोज दौरे लग रहे हैं उनके, और आज लखीमपुर के धौरहरा जा रहे हैं प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके नामांकन कराने के लिए। एक वैन आपको दिखा रहे हैं, इस वैन में जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है बृजेश पाठक, वो निकलते हैं अपने प्रत्याशियों को, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है, लगातार उनसे बात कर लेते हैं। पाठक जी, ये वैन में आप लोग चल रहे हैं? वैन में अधिक स्पेस है, ज़्यादा लोग बैठ लेते हैं, हमारे माननीय विधायकगण हैं, प्रत्याशी हैं या और कोई कार्यकर्ता बैठना चाहता है तो बैठ लेते हैं, और रास्ते में कहीं रुक करके हम लोगों से संवाद भी स्थापित कर पाते हैं। संवाद स्थापित करने का एक अच्छा तरीका आपने कहा। अच्छा तरीका है, भाई रोड से चलने में सबसे भेद होती रहती है। संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को छान रहे हैं, बाहर भी आप लोग जा रहे हैं। बात करें अगर राजनीति की, तो सियासत में मंगलसूत्र जब से आया है, प्रधानमंत्री जी ने जब से कहा है, तब से काफ़ी खलबली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि संपत्ति की जांच की जाएगी चला चल की, तो इस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी ने ही उठाई हैं, और कांग्रेस पार्टी हमेशा जन विरोधी इस प्रकार की नीतियों को देश में प्रदेश में लागू करती रही है, जनता ने इन्हें नकार दिया इसी कारण, और इस बात का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इसे लेकर इलेक्शन कमीशन पहुँच गई, इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई। कांग्रेस पार्टी को स्वयं स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा है। कांग्रेस पार्टी के नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश के लिए उनकी मां ने अपने मंगलसूत्र को निछावर। देखिए, इस बात को कहने से जो मैनिफेस्टो है वो बदल नहीं जाएगा। मैनिफेस्टो में जो उन्होंने संपत्ति की जांच की बातें कही हैं, उसको उनको स्टैंड को साफ करना चाहिए और स्टैंड को बदलना चाहिए। अगर नहीं कहा तो कहें कि हमने लिखा ही नहीं है या गलत है, इस प्रकार की बातों को देशी जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्या आप लोगों के द्वारा क्या बताने की कोशिश की जा रही है देश की जनता को, और खासकर से देश की जनता के समझ जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो उसमें उल्लेख है, जिस ढंग से उन्होंने लिखा है कि संपत्ति की जांच करेंगे, सोना चांदी की जांच करेंगे, और उसको हम ऐसे लोगों को देंगे जिन लोगों ने हमेशा देश को तबाह करने का काम किया है, ये बहुत ही दुखद है। आने वाले समय में देश और प्रदेश जनता इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को जरूर देगी, अभी वो रसातल में है, अब 0 सीट पर आने वाले हैं। अमेठी और रायबरेली की अगर बात की जाए, तो आज ही की बात है कि रॉबर्ट वाड्रा के जो पर्चे हैं, जो पोस्टर हैं, वो वहाँ पर देखे जा रहे हैं। आप देखेंगे कि वो तो जीजा साले के बीच की बात है, वो साले साहब तय करेंगे, जीजा जी लड़ेंगे कि वो स्वयं लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई फर्क पड़ता दिखता है क्या दोनों? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी अमेठी रायबरेली दोनों जगह प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। अमेठी रायबरेली को लेकर के स्पष्ट नहीं कर रही है कांग्रेस, क्या चीज़ें हैं आपको लगता है? देख, कांग्रेस पार्टी भी डिरेल्ड है, उनके पास जनाधार नहीं है, हार के डर के वजह से सोनिया जी छोड़ करके चली गई राज्यसभा, और आज तक कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली जिन लोगों ने उनकी पुस्तों को सींचा है, रायबरेली के लोगों का हालचाल लेने भी कांग्रेस के लोग नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चल रही है, हम रायबरेली सीट भी जीतने वाले हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे, वो कह रहे हैं केवल 1 सीट जीतेंगे, बाकी 79 आ गए। आप इंतजार करिए, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा और ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, 0 सीट आएगी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से धराशायी होगा। नफरत की दुकान पर अलीगढ़ का ताला लगाने की बात कह रहे हैं, अलीगढ़ में थे अखिलेश? नफरत की दुकान वही लोग चला रहे हैं जो लोग इस प्रकार की बातें करते घूम रहे हैं कि हम सबकी संपत्ति लेकर के अल्पसंख्यकों को बांट देंगे, उनको दे देंगे, इस प्रकार की बातों को जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। और गठबंधन की जो समाजवादी पार्टी घटक है, इनकी गुंडई, अराजकता, माफियागर्दी, दंगों को लोग भूले नहीं है, सपा की तो और बुरा हाल है।
कन्नौज से लड़ने की चर्चा शुरू हो गई है तेज प्रताप यादव को, हालांकि ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया है लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर प्रचंड हार का सामना करेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है कई बार प्रदेश में हार चुका है और इनको जीरो सीटें आने वाली हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि ऐसी गरिमा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं गिराई है जैसी मोदी जी ने गिराई है। जी मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रकार के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको खुद नहीं पता क्या कह रहे हैं, उनका दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीत चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है। इन 10 वर्षों में हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है हमने जनता के सामने रखा है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आखिरी सवाल ये कि ओवैसी जो है वो कह रहे हैं कि मेरा सपना है कि वो हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बने थी, इस प्रकार की बातों का कोई उल्लेख नहीं है। जनता जनार्दन जिसको चाहेगा वही जीतेगा और जनता माननीय मोदी जी के साथ है। पाठक जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन तो आप लोगों पर आरोप लगता था कि जो भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ जो अच्छे कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न दलों में काम करते हैं हम सभी को समाहित करते हैं और ऐसा कोई भी हमारे पास सूचना नहीं है जिनका कोई बैकग्राउंड गड़बड़ हो। और गोदाम की बात करते हैं वो कि गोदाम आपका खुल गया। भारतीय जनता पार्टी एक बृहद परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। सभी का स्वागत है जो माननीय मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देना चाहते हैं, इस यज्ञ में आहुति डालना चाहते हैं, एक भारत के स्वाभिमान के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं और देखते हुए दिन प्रतिदिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेता हूं कि भड़क जी आपको क्या लगता है कि पहले फेज का चुनाव हो चुका है, दूसरे चरण का आज नामांकन का आखिरी दिन है, प्रचार का आज आखिरी दिन है, चुनाव कहां आकर के खड़ा हो गया है? ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीतेगी और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम काफिला लेकर के चले हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक वैन के जरिए जा रहे हैं, संवाद कायम करने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि संवाद कायम हो, जो फील्ड पे उतर रहे हैं जो ग्राउंड के लोग हैं नब्ज़ क्या है बताना भी होता है उच्च जो अपने पदाधिकारी हैं उनको भी और खुद भी नब्ज़ भापनी होती है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसलिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ संवाद स्थापित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक वैन से निकले हैं और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के पक्ष में। लखनऊ से कैमरामैन रजीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।